हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों हम लोग बहुत सारी टॉपिकों पे कवर कर चुके हैं, जैसे कंट्रोलर का, सेंसर का, एक्सलेटर पोर्ट का। हमारी मशीन में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत बार देखें। कंट्रोलर को तो हमने बहुत बार उसका फोल्ड कोड क्या होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, सर्किट डायग्राम क्या है, कम्युनिकेशन केबल क्या है, पावर केबल क्या है, इन सारी चीज़ों पर हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। लेकिन इन सब के अलावा हमारी मशीनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई के लिए जनरली हमारी मशीनों में यूज होता है बैटरी, बहुत हैवी बैटरी यूज होती है। तो बैटरियाँ आखिर होती क्या और कैसे काम करती है और कितने टाइप के जनरली हमारी मशीनों में होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। थोड़ा एक ओवरऑल डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। जनरली हम लोग बैटरी जो आसपास के हमारे एरिया में देखते हैं, हमारी जानकारी में जो जनरली होता है वो कार्बन जिंक के सील होता है, कार्बन जिंक बैटरी होता है, लेड एसिड बैटरी होता है, लिथियम आयन बैटरी होता है। ये जो कार्बन जिंक बैटरी है ये हमारी मशीनों में कभी यूज नहीं होता है। ये कार्बन जिंक के जो बैटरी है ये नॉन रिचार्जेबल होता है। एक बार बना उसी समय चार्ज है और उसके बाद फिर वो एक बार डिस्चार्ज होगा तो फिर हम इसको दोबारा रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग जो रिमोट में डालते हैं बैटरी, घड़ी में डालते हैं बैटरी, ये सारी कार्बन जिंक बैटरी जनरली होती है। इसके बाद आता है लेड एसिड बैटरी, वाइड रेंज अभी हम लोग यही यूज कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी। इसको चार्ज डिस्चार्ज इसको कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी जनरली यूज होता है हमारी मशीनों में। जनरली आप लोग जो भी बैटरीज देखते हैं जिसमें आप एसिड टॉपअप करते हैं, एसिड डालते हैं, पानी डालते हैं, जिसमें ग्रेविटी आप चेक करते हैं, उसमें उन बैटरियों को लेड एसिड बैटरी बोला जाता है। लेड एसिड बैटरी कहने का मतलब इसमें एक लिक्विड रहता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4, उसके कारण इसको एसिड बैटरी बोला जाता है। लेड उसका लेड का मतलब ये होगा उसके बीच में दो प्लेट रहते हैं, उसके बीच में सेपरेटर रहता है, उसको लेड बोला जाता है। वो अलग टॉपिक है, हम अलग से कवर करेंगे लेड एसिड में, तो आप समझिएगा कि होता क्या, इसका रिएक्शन क्या होता है। तीसरा होता है आपको लिथियम आयन बैटरी। अभी जो सबसे एडवांस बैटरियों में भी जो चल रहा है वो लिथियम आयन बैटरी है। अभी जितनी भी ईवी आ रही है, सब में लिथियम आयन बैटरी होती है। और आजकल तो हमारी फोर्कलिफ्टों में भी लिथियम आयन बैटरी आनी शुरू होगा। इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, बेनिफिट और घाटे की। कार्बन जिंक बैटरी जो है ये आपको चार्ज नहीं कर सकते, तो वापस का तो कहानी खत्म, इसको तो क्लोज कर देते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नहीं। इसका जो वोल्टेज होता है एक सेल का 1.5 वोल्ट होता है, आगे हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लेड एसिड बैटरी है इसमें होता क्या है, एक सेल का वोल्ट होता है 2 वोल्ट, ठीक है। एक सेल जब बनेगा तो उसमें 2 वोल्ट होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यदि आपने देखा है गाड़ियों में लगा हुआ, तो यदि 48 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 12 सेल रहेंगे। 12 सेल का मतलब हो गया 2 वोल्ट करेंगे, 2 × 12 = 24 वोल्ट, 48 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो आपको 24 सेल रहेंगे, ठीक है। तब 2 × 24 हो जाएगा 48 वोल्ट, समझ गए। एक सेल का वैल्यू 2 वोल्ट होता है, जितना वोल्ट रहेगा उतना सेल बढ़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, कभी भी 2 के मल्टीपल में ही सेल रहेंगे, इसके 3 के मल्टीपल में नहीं रहेगा, 4 के मल्टीपल में हो सकता है, 5 के मल्टीपल में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा 2 से गुना होने वाला ही सेल रहेगा उसमें। जैसे सपोज मानिए 48 सेल हुआ, 50 सेल हो सकता है, 40 सेल हो सकता है, लेकिन आपको ये समझिए कि 51 वोल्ट का बैटरी नहीं मिलेगा, 48 वोल्ट का 51 वोल्ट का बैटरी नहीं मिलेगा, 30 वोल्ट का बैटरी हो सकता है लेकिन 29 वोल्ट का बैटरी नहीं हो सकता है, 24 वोल्ट का बैटरी हो सकता है लेकिन 25 वोल्ट का बैटरी आप कहीं नहीं मिलेगा, 23 वोल्ट का बैटरी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 23 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, इसको 2 से भाग दीजिएगा, 2 से पूरा नहीं कटेगा। 24 जो है ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए इसका मतलब 24 वोल्ट का बैटरी आ सकता है ना। 48 जो है 2 का मल्टीपल है, इसलिए 48 वोल्ट का बैटरी आ सकता है, पूरा कट जाएगा, समझ गए ना। 51 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, नहीं कटेगा, तो ये 51 वोल्ट का बैटरी नहीं आएगा, समझ गए। तो जो भी आपकी जो लेड एसिड वाली बैटरी आती है, जिसको हम लोग ट्रैक्शन बैटरी भी जनरली बोलते हैं, तो इसलिए उसमें जो भी आपको जो जितने भी सेल रहेंगे वोल्टेज के हिसाब से, वो 2 के मल्टीपल में रहेंगे, 2 से गुना होके रहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आओ थोड़ा सा लेड एसिड बैटरी में समझने की आवश्यकता है। देखिए आइडियली हम लोग एक सेल को 2 वोल्ट मानते हैं,
लेकिन एक्चुअली में जब मेजरमेंट करेंगे तो उस एक सेल का वैल्यू 2 वोल्ट नहीं होके 2.2 वोल्ट माना जाता है, समझ गए, एक सेल का वैल्यू 2.2 वोल्ट माना जाता है। तो यदि 24 वोल्ट की बैटरी ने 48 वोल्ट की मान लेते, यदि 48 वोल्ट की बैटरी है, यदि बैटरी 48 वोल्ट की है तो इसमें कितने सेल रहेंगे, हाँ 24 सेल, 2.2 × 24 सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो दोस्तों ये जो 24 वोल्ट की जो 48 वोल्ट की जो बैटरी है उसके टोटल वोल्टेज जब फुल चार्ज रहेगा तो 52.8 के आसपास आना चाहिए, तभी ये बैटरी फुल चार्ज माना जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि 48 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट उसका टोटल वोल्टेज दिखा रहा है तो वो फुल चार्ज माना जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है दोस्तों, आप शायद समझ गए कि आपको जब भी एक सेल का वोल्टेज मापना है तो 2.2 के आसपास आना चाहिए, टोटल सेल का वोल्टेज मापना है तो 2.2 के गुना में आना चाहिए, समझ गए। सपोज मानिए आपका 24 वोल्ट की बैटरी है, 12 सेल रहेंगे तो 2.2 × 12 इक्वल टू हो जाएगा 12 × 24 = 24 26.4 वोल्ट आएंगे, समझ गए। तो इसी तरह से एक और चीज में समझने की ये बात है, जब भी आप पर सेल वोल्टेज मापते हैं, हर एक सेल का अलग अलग वोल्टेज आप मापते हैं तो आपको 2.2 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, तो वो चार्ज या डिस्चार्ज उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया लेड एसिड बैटरी का। इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये ज्यादा करंट पास कर सकता है, मतलब ज्यादा हैवी करंट ले चार्ज हो कर सकता है और ज्यादा हैवी करंट लेके ये डिस्चार्ज हो सकता है। सपोज मानिए हमारी मशीनों में 200 एम्पियर 500 एम्पियर के कंट्रोलर लगा रहते हैं, ये 200, 300, 400, 500 एम्पियर एकदम तेजी से आउटपुट दे सकता है, और उतनी तेजी से मतलब समझे 100 एम्पियर 50 एम्पियर के स्पीड से ये चार्जिंग ले सकता है। इसका बेनिफिट ये है। इसका एक घाटा ये है, उस समय जब प्राइमरी सेल ये कार्बन जिंक एसिड जिंक बैटरी ये सब जो बने थे उसके बाद जब ये लेड एसिड बैटरी आई मार्केट में, तब क्या हुआ, ये इसको जो चार्ज और डिस्चार्ज तो हम लोग बहुत बार कर सकते थे और ज़्यादा करंट चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते थे ज़्यादा करंट से, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या था, ये बहुत वजनदार होता है, इसमें वजन मतलब वेट ना बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका थोड़ा परेशानी इसमें रहा कि यदि किसी मशीन में लगाते थे इसका खुद का वेट यदि लेके वो मशीन को चलना पड़ता तो उसको समझिए कि ज़्यादा करंट लॉस करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट में आया ये लिथियम आयन बैटरी। इस बैटरी में क्या है, ये लाइट वेट होता है, करंट चार्जिंग डिस्चार्जिंग में इसका भी बाप है समझिए, इससे भी ज़्यादा तेजी से करंट सप्लाई कर सकता है और चार्ज ले सकता है, दोनों केसेस में फायदा है। तीसरा एक फायदा यह है कि ये बहुत हल्का है, समझ रहे हैं ना, और इसका जो चार्जिंग साइकिल है बहुत कम है, मतलब ये समझिए कि 5 घंटे में चार्ज हो रहा है, ये मे भी हो सकता है कि 1 घंटे में हो जाए, इतना फास्ट या तो इससे भी ज्यादा, डिपेंड करता है कि उसका क्वालिटी क्या है लिथियम आयन बैटरी का। प्लस यदि इसका 2 साल का ये आपका लाइफ है 2 साल का, तो इसकी लाइफ समझिए कि कम से कम 5 साल रहेगी, इतना फायदा, सारे फायदे हैं इसमें लिथियम आयन बैटरी में। अब हम लोग चलते लिथियम आयन बैटरी का स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस लिथियम आयन बैटरी का जो एक सेल बनता है, इसका एक सेल का वैल्यू होता है 3.7 वोल्ट। इसमें क्या सुन लेते हैं आप, 2.2 वोल्ट एक सेल का वैल्यू, इसमें एक सेल का वैल्यू 3.7 वोल्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब समझिए कि जब भी इससे बैटरी बनाया जाएगा, बैटरा हम लोग गाड़ियों में ना बैटरी यूज करते हैं, कोई भी हमारी मशीनों में जो आता है उसमें बैटरी होता है, बैटरा होता है, समझिए यदि इसका बैटरा बनाया जाए मल्टीपल सेल जोड़ के, तो जो भी उसके वोल्टेज आउटपुट आएगा टोटल वोल्टेज 3.7 के मल्टीपल में आएगा, समझ रहे, 3.7 का मल्टीपल मतलब सपोज मानिए कि आपको 12 वोल्ट की बैटरी लिथियम आयन की बनानी है, 12 वोल्ट की आपके पास लिथियम आयन की बैटरी है, तो कितने सेल लगाने पड़ेंगे, 3 सेल, 3.7 × 3 करिए तो आ जाएगा 7 × 21 = 1, 3 × 3 = 9, 2 = 11 सॉरी दोस्तों ये सॉरी 4 सेल होंगे, मैंने गलत बोला, माफ करिए। देखिए इसमें हम लोग अरे हम 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं तो हमको 4 सेल लगाना पड़ेगा, सच चुके 28 × 8 = 12 × 2 = 14। अब कहिएगा कुछ इसका वैल्यू यदि हम लोग 2.2 × 6 इसमें 6 सेल लगाने हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो टोटल 12 वोल्ट की बैटरी, दोनों 12 वोल्ट की बैटरी मानी जाएगी दोस्तों, अब समझे बात को, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है,
लेकिन इसका वोल्टेज 12 वोल्ट के बैटरी का टोटल वोल्टेज 13.2 वोल्ट होगा और इसका टोटल वोल्टेज होगा 14.8। ये भी 12 वोल्ट की बैटरी, ये नहीं कह ऐसा कि अलग है वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज बराबर है। ये भी 12 वोल्ट की मानी जाएगी, ये भी 12 वोल्ट की मानी जाएगी, समझ रहे ना। लेकिन मजबूरी इसमें क्या है कि इसमें 2.2 वोल्ट लेके चलना पड़ेगा फुल चार्ज होने पे, इसका 3.7 वोल्ट लेके चलना पड़ेगा परसेंट फुल चार्ज होने पे। तो समझिए कि जब भी आपको 12 वोल्ट का कोई आपको बैटरी है लिथियम आयन का, तो उसमें समझ लीजिए कि चार सेल लगे और पर सेल का वोल्टेज यदि फुल चार्ज है तो 3.7 आना चाहिए, समझिए ना। और ये जो टोटल वोल्टेज यदि 12 वोल्ट का 14.8, इसी तरह से यदि यदि हमारी मशीनों में 48 वोल्ट का बैटरी लगा है, यदि मान लेते हैं कि यदि हमारी मशीनों में 48 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है, तो इसमें कितने सेल लगेंगे, तो 3.7 × कितना सेल लगाएं कि हमारा 48 वोल्ट के ऊपर चला जाए दोस्तों। तो यदि हमारे हमको 48 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी लगाना है, बनाना है, तो उसमें आपको 14 सेल लगेंगे। अब इसको काउंट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, तो लगभग आपको 51.8 वोल्ट आएंगे, समझ गए। इसमें जब हम लोग करते थे ना 2.2 × 24 सेल इसमें लगेंगे, 24 × 48 वोल्ट के लिए, तो 4×8 52.8 वोल्ट आता था, इसमें हमको 51.8 आता है। तो समझे दोस्तों, इसमें 52.8 आ रहा है, इसमें 51.8 आ रहा है, लेकिन दोनों बैटरियां 48 वोल्ट की मानी जाएंगी, समझ गए। इस तरह से यदि आपको कभी भी इन बैटरियों लिथियम आयन बैटरी किसी मशीन में लगा है, तो यदि 48 वोल्ट का बैटरी है समझिए उसमें 14 सेल रहेंगे, और 24 वोल्ट का बैटरी है तो सॉरी 12 वोल्ट का बैटरी है तो आपको 4 सेल रहेगा। इसी तरह से आपको सारे कैलकुलेशन आएंगे, समझ गए इन चीजों को। इसमें एक प्रॉब्लम है, लिथियम आयन में एक प्रॉब्लम है जो कि लेड एसिड में नहीं, एक और प्रॉब्लम है जो भी आपने सुना उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है। इस लिथियम आयन बैटरी में एक BMS नाम का एक प्राणी लगा रहता है, BMS, बिना इसके लिथियम आयन को आप नहीं चला सकते, चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा, क्योंकि ये लेड एसिड को ना हम लोग ये है ना इसको बोलते हैं ना देसी चीजों को ना आप जैसे रफ एंड टफ चलाइए कोई दिक्कत नहीं है, ये है विदेशी, मान के चलिए विदेशी है ना, मान लो विदेशी जो हाइब्रिड चीज होती है उसको आराम से प्यार से रखना पड़ता है तब जाके वो चलेगा, तो विदेशी चीजें और अच्छा बैकअप अच्छा काम करेगा, उसको उतने फैसिलिटी में रखना पड़ेगा, और देसी चीजें हो सकता है कम काम करो लेकिन कुछ जैसे तैसे फेंक के रखे तो भी चलेगा। तो ये समझिए देसी है, ये है विदेशी, इसको क्या है आप 50% चार्ज किया फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हो सकता है। इसको आप 20% चार्ज किए और 10% डिस्चार्ज कर दिए कोई दिक्कत नहीं, 100% चार्ज किए और 20% डिस्चार्ज कर दिए कोई दिक्कत नहीं, फिर चार्ज करिए हो जाएगा, हालांकि ये एक साइकिल गिन लेता है चार्ज डिस्चार्ज का, एक साइकिल गिन लेता है लेकिन बैटरी को वैसे जनरल इफेक्ट नहीं आएगा, एक साइकिल गिन लेगा, एक चार्जिंग साइकिल ये गिन लेगा, जब भी एक बार चार्ज या डिस्चार्ज के भले परसेंटेज कितना भी, तो एक चार्जिंग साइकिल ये गिन लेगा, लेकिन इसको प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगा उससे, चार्जिंग साइकिल भले गिन ले वो एक साइकिल वो अपनी कम कर लेगा लाइफ को, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये विदेशियों को जो है ना इसको बहुत प्यार से रखना पड़ता है, और वो प्यार देने के लिए इसको बनाया गया है BMS। जब भी मल्टीपल सेल यदि आप जोड़ते हैं इन बैटरियों में तो आपको BMS बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि एक सेल है तो भी BMS होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल सेल जोड़ के आप बैटरी बना रहे हैं मतलब 3.7 वोल्ट से ऊपर की कोई भी बैटरी बना रहे हैं तो उसमें BMS इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बताएं अभी आपके दिमाग में BMS का फुल फॉर्म क्या होता है, BMS काम क्या करता है, ये कैसे करता है, ये होता है कैसे, हम बताते हैं थोड़ा सा अभी इतना समझें कि BMS मल्टीपल सेल जब आप जोड़ेंगे तो बहुत जरूरी है, सिंगल सेल है तो भी जोड़ना चाहिए लेकिन मैंडेटरी नहीं, जोड़ देंगे तो बेहतर है, ऐसा नहीं कि नहीं बेहतर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मल्टीपल सेल में कंपलसरी आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी मतलब समझें कि 2-4-10 साइकिल चले वही काफी है, समझ रहे। तो इसका काम क्या है, तो इसको हम ये जगह को खाली कर देते हैं, अब सीधा लिथियम आयन पे आते हैं, इससे कोई कंपैरिजन बीच में नहीं होगा क्योंकि हम लोग BMS में जा रहे हैं, तो BMS में जा रहे हैं, तो BMS का पूरा नाम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब समझे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को हम किसी में लगा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लिथियम आयन के लिए डेवलप किया जाता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम है पहले लिख देता हूं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम क्या है, सपोज माने लिथियम आयन का इतना सेल है,
इतना मतलब एग्जांपल के लिए माने सिस्टमेटिक तो ऐसे नहीं समझेंगे, इतना लंबा सेल है तो यदि सपोज माने हम दो सेल जोड़ रहे हैं, एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए हम दो सेल जोड़ रहे हैं, सीरीज कर दिया, एक यहां से निकला एक यहां से निकला, ठीक है प्लस माइनस मान लेते हैं। अब ये दो सेल है और मान लीजिए कि 200 एज का सेल है, एज क्या होता है वो भी बता देंगे, सॉरी हम भूल गए बताने के लिए, बता देंगे पहले ये समझ लीजिए बीएमएस को समझ लीजिए। तो यदि आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, चार्जिंग पे छोड़िए डिस्चार्जिंग के कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, तो ये लिथियम आयन बैटरी का क्या काम है ना, ये कहीं से डिस्चार्जिंग देना शुरू कर देगा, यहाँ से दे देगा, यहाँ देगा, पावर कहीं से दे देगा, ये जरूरी नहीं। लेड एसिड में देखिए मिटा दिए, लेड एसिड में क्या होता है जब भी आप डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं प्लेट जो मान ली इतना लंबा, तो डिस्चार्जिंग यहीं से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिस्चार्ज होता चला जाएगा, समझ गए। लिथियम आयन में ऐसा नहीं है, लिथियम आयन में क्या है कि आपको हो सकता है यहाँ भी जाए, यहाँ कहीं से सप्लाई दे देगा। अब सपोज मानिए कि यहाँ से डिस्चार्ज दे दिया, ये भरा तो ये बैटरी का इफेक्ट आएगा ना, बीच में से खाली हो गया, बाकी ऊपर नीचे भरा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का साइकिल में प्रॉब्लम हो गया, या फिर ये लिथियम आयन का ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि यार ये सेल से ज्यादा करंट दे दिया, ये सेल से कम करंट दे दिया, तो ये सेल का करंट ज्यादा निकल गया खत्म, और ये सेल का करंट कम निकला, ये प्रॉब्लम में फंस गया। कभी कभी ये भी होता है ये सेल में कुछ प्रॉब्लम है और ये सेल में प्रॉब्लम नहीं है, तो जो प्रॉब्लम है वो दूसरे सेल का पावर खाता रहेगा और जिसमें प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा सप्लाई देता रहेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए बीएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया। बीएमएस क्या करता है, सभी सेल के लिए अलग 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 से आती है चिप, समझिए चिप में जितने सेल का रहेगा ना बैटरी उसके हिसाब से चिप रहती है। मान लीजिए 12 सेल का बैटरी है तो 12 सेल वाला बीएमएस रहेगा, 24 सेल का बैटरी है तो 24 सेल वाला बीएमएस रहेगा। तो ये सभी सेल से अलग अलग पावर उठाएगा, मतलब समझिए कि 15 एम्पियर 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो सभी सेल से, इसमें 6 सेल सपोज 2 2 4 5 6 सेल लगे, 6 सेल से बराबर मान लीजिए कि 15 एम्पियर चाहिए, 6 सेल मतलब सपोज माने कि 24 एम्पियर चाहिए, 24 एम्पियर चाहिए तो आपको यहाँ पे 24 एम्पियर चाहिए तो सभी सेल से ये करंट उठाएगा, ये नहीं कि एक सेल से उठाएगा दूसरे सेल से नहीं उठाएगा, सभी सेल से उठाएगा आउटपुट देगा, और सब जब चार्जिंग होगा तो भी उस समय इसका काम आएगा, सभी सेल में बराबर बराबर टॉपअप करेगा, किसी सेल को कम नहीं देगा किसी सेल को ज्यादा नहीं देगा, ऐसा है ये बीएमएस का ऐसा सिस्टम। आजकल तो एडवांस बीएमएस आ गया, उसमें फोल्ट भी आता है, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी दिखाएगा, आपने उल्टा कनेक्शन लगा दिया तो भी उसका प्रोटेक्शन देगा, शॉर्ट सर्किट कर दिया तो भी प्रोटेक्शन देगा, तो ये सारी चीजें भी एडवांस बीएमएस में आ गई। लेकिन बेसिक इसका यही है कि जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो तो सभी सेल से बराबर बराबर आउटपुट लेगा और बराबर बराबर डिस्चार्ज चार्ज करते समय उसको चार्जिंग देगा, मेन जरूरी है ये नहीं तो ये लिथियम आयन बैटरी को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और ये बराबर काम नहीं करेगा, समझिए लिथियम आयन में एक अलग से एक्स्ट्रा खर्च है इसमें। और उसके बाद एक और चीज है इसमें लिथियम आयन बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी एक समझिए चलता फिरता बम है, समझ रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी एक चलता फिरता बम है, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसकी जो बॉडी रहती है एकदम पूरी सील पैक रहती है, जैसे हमारे लेड एसिड बैटरी में सील पैक में ऊपर से खोल कर ढक्कन पे पानी डालते हैं, या तो चार्जिंग के समय हम लोग को ढक्कन खोल के रखो क्योंकि वो सील नहीं रहती उससे हवा निकलनी, लेकिन लिथियम आयन बैटरी फुल्ली सील्ड रहती है, फुल्ली सील्ड, उसको यदि किसी ने पंचर कर दिया किसी कारण से उसमें छेद हो गया उसके पैकिंग में तो समझिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा महकेगा या फिर वो शॉर्ट सर्किट होगा, आग भी लग सकती है उसकी वजह से। तो इसको अभी तो अच्छी क्वालिटी की आ रही है लिथियम आयन बैटरी, जब भी ले तो आप अच्छी क्वालिटी ले, हल्की क्वालिटी की लेंगे तो उसका जो ऊपर का पैकिंग यदि वो फट गया तो प्रॉब्लम होता है। जनरली हम लोग क्या कर देखते हैं ना, अभी कुछ मोबाइल्स में हम लोग सुन रहे हैं कि बैटरी फट गई, तो बैटरी फट गई का मतलब यही है कि बैटरी की क्वालिटी खराब थी इसलिए फट गई, बाकी बैटरी तो जितना पावर देना है उतना देगा ही देगा, बैटरी को जितना पावर लेना है उतना तो लेगा ही लेगा, लेकिन बैटरी की क्वालिटी खराब थी इसके कारण वो फट गई। क्वालिटी खराब होने का मतलब ये भी उसका जो ऊपर का कवर है जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं लगाया इसके कारण वो फट गया, मतलब समझ रहे हैं, अंदर से जब पावर ये लेता है तो अंदर बहुत जैसे हमारा लेड एसिड बैटरी बहुत ज्यादा अंदर गैस बनता है वैसे इसमें भी गैस बनता है, लेकिन वो गैस इसका निकलना नहीं चाहिए। लिथियम आयन का लेड एसिड का तो बोलते हैं निकलने के लिए खोल दो उसमें छेद रहता है होल, लेकिन इसमें निकलना नहीं चाहिए, वो गैस निकलना तो फिर काम नहीं करेगा, वो गैस को अंदर पैक करके रखने के लिए इसका ऊपर का कवर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो फटने न दे। फटने का मेन रीजन यही होता है, एक और रीजन भी होता है, सपोज मानिए कि उसमें एक लिमिटेड गैस मतलब एक के जी का एक के जी प्रेशर का मान लीजिए गैस बनना है और इस बैटरी से हम लोग इतना ज्यादा पावर ले रहे हैं कि बहुत तेजी से डिस्चार्ज करेंगे तो ज्यादा गैस बन जाएगा, तो मान लीजिए 2 के जी का गैस बन गया तो भी फट जाएगा, लेकिन
उसको उस कंडीशन के लिए ही बीएमएस लगाया गया। यदि बीएमएस नहीं फेल होगा, बीएमएस गलत डिसीजन नहीं देगा, तब तक वो ज्यादा करंट में ले सकते हैं ना आप उसमें दे सकते हैं, ये एक बेनिफिट। तो पहला ये बैटरी फटने का दो रीजन हो सकता है। पहला तो इसका बैटरी का कवर उसमें ऊपर का जो बॉडी होता है वो खराब क्वालिटी का हो, दूसरा बीएमएस फेल हो गया होगा, बीएमएस का दिमाग नहीं चल रहा, फिर बीएमएस गलत लगा हो उसमें, जितने करंट का है बैटरी उसके हिसाब से बीएमएस नहीं लगा हो, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। ठीक है भाई, आज हम लोग बैटरी में इतना ही कवर करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। फिर हम लोग अलग से एक बैटरी को ना लिथियम आयन की अंदर का कैसे बना होता है, लेड एसिड का कैसे बना होता है, प्राइमरी सेल जो हम लोग घर में घड़ियों लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, वो कैसे बना होता है और कैसे काम करता है, हम उस पर कवर करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक अलग अलग टॉपिक बना के। ये तो पूरा पूरा बैटरी का एक आपको आइडियल ज्ञान दे दिया। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।